एनकाउंटर में फिर आपके सामने हम हाजिर हैं और इस बार हमारे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के चर्चित नेता, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, चूरू से विधायक राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, आपके लिए ये कहा जाता है कि 24 घंटे की राजनीति करते हैं आप। निश्चित तौर पर जिस राह से गुजरा हूँ, मैं छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आया हूँ। ना परिवार में पृष्ठभूमि राजनीति की रही, एक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी विद्यार्थियों की राजनीति करते करते सक्रिय राजनीति में आ गया। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक कोशिश रहती है कि राजनीतिक सेवा का माध्यम बनाऊं, और एक आदत बन चुकी है मेरी सब लोगों के बीच में बने रहने की। चूरू में आपके कारण टिकट अटका है, ऐसे आरोप आप पर लग रहे। टिकट का वितरण भारतीय जनता पार्टी में एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ है, उसके सामने पैनल लेकर हमारे प्रदेश की कोर कमेटी के लोग गए, जिसमें चूरू का भी था। कुछ सोचकर निश्चित तौर पर दूसरे दौर के लिए चूरू के टिकट को भी रोका गया है। इसमें मैं नहीं, कई पहलू है जिस पहलुओं के आधार पर हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है कौन प्रत्याशी होगा। एक परिवार की तरफ और उस तरफ देखने वाली, इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति कांग्रेस का कल्चर इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो क्या लगता है, कस्बा परिवार के खिलाफ आप खड़े, और वही कस्बा परिवार जिनकी दूसरी पीढ़ी को आपने प्रमोट किया था पिछले लोकसभा चुनाव में? देखिए, मेरी किसी परिवार से कोई अदावत नहीं है। निश्चित तौर पर जब एक जगह पर काम करते हैं तो काम करने की पद्धति को लेकर कई बार मतभेद हो जाते हैं, परंतु मन भेद नहीं। जो भी कमल का फूल लेकर आएगा उसको जिताने के लिए जितने मेरे तर्कस में बाण होंगे सारे बाण चलाऊंगा और जिताने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ये कहा जा रहा है कि नए नाम आपने चूरू को लेकर सुझाए हैं। जब संसदीय बोर्ड के सम्मुख एक कोर कमेटी के मेंबर के रूप में मुझसे पूछा जाएगा जी, जिस जिला मुख्यालय से मैं लगातार 7 बार विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझसे पूछेंगे तो कुछ नाम भी आएंगे। मौजूदा सांसद के साथ दूसरे नाम भी है, और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड को करना है। क्या लगता है राठौड़ साहब, अभिलाषा आपकी भी रही सांसद बनने की, लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरत थी ये? मेरे मन में कभी हसरत नहीं थी। मैं राज्य की राजनीति में हूँ, मैंने ना लोकसभा का टिकट मांगा और ना ही इच्छा जाहिर की। अगर इच्छा जाहिर करता तो दम ठोक के करता। मैंने ये जरूर कहा है कि मैं पार्टी का एक सही तौर पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिस भी काम में मुझे उचित समझेगी मुझसे काम लेना होगा, वो चाहे पंच का चुनाव हो और चाहे सांसद का चुनाव हो, जिस जगह पर पार्टी का हुक्म होगा उस हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। स्थानीय राजनीति में चूरू की पॉलिटिक्स हो, चाहे शेखावाटी की हो, चाहे राजस्थान की हो, जाट नेतृत्व, कई नेता ऐसे हैं जो आपके मित्र रहे, जिगरी दोस्त भी रहे, फिर भी ये क्यों कहा जाता रहा कि आप जाट विरोधी हैं? मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। अगर आदमी किसी भी एक कौम का, जाति का विरोधी हो जी, तो एक बार कसौटी पर परख कर दूसरी बार उस व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7-7 बार मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के मेरे सबसे अच्छे मित्र जो दुनिया से चले गए, डॉक्टर दिगंबर सिंह, जिनकी यादें मेरे जहन में हमेशा समाई रहती है, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरे दूसरे दोस्त धर्मपाल चौधरी थे, वो भी मेरे साथ रहे, इसलिए मेरी मित्रता भी रही है। मैं कभी जाति के आधार पर राजनीति ना मैंने की है ना करना उचित समझता हूँ। जैसा आपने कहा कि छात्र राजनीति से निकला, यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष रहे राजस्थान छात्र संघ के विश्वविद्यालय के, और विधायक का एक लंबा सफ़र तय किया, लेकिन राजेंद्र जी अभी भी वो मुकाम पाना शायद बाकी है। मंत्री भी आप रह चुके, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपका नाम चर्चाओं में रहा, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर आपका नाम चर्चाओं में रहा, क्या लगता है अभी दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आने में कितना समय लगेगा? देखिए, मैं अपने आप को हमेशा आंकता हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। ना मैंने कभी अपने आप को नंबर 1 पर बात की, ना नंबर 2 पर बात की। एक कार्यकर्ता के तौर पर
जहाँ भी जैसा भी मुझसे काम लेने के लिए पार्टी के आला कमान ने निर्देश दिए, मैंने उस निर्देश की पालना की और भविष्य में कोई अभिलाषा नहीं। बस जिस पार्टी ने मेरे को इतना बड़ा मान और सम्मान दिया, उस पार्टी के साथ सिद्धांत के साथ जुड़ा रहूँगा। वसुंधरा राजे की जो पहली सरकार थी, हमने राजेंद्र राठौड़ को देखा, विभाग आपके पास कम थे लेकिन तकरीबन सरकार से जुड़ी ज़्यादातर महकमों की फाइलें आपके पास आया करती थी। फिर हमने पार्ट टू देखा वसुंधरा राजे सरकार का, उस वक्त पार्ट टू में इतने प्रभावी रूप से आप नज़र नहीं आए जितने आप पार्ट फर्स्ट में थे, नंबर टू हैसियत से आप नज़र आते थे। क्या लगता है, कहीं आशीर्वाद में कोई कमी रही मैडम की? नहीं, कोई आशीर्वाद में कमी नहीं, चाहे पार्ट फर्स्ट हो चाहे पार्ट सेकंड हो। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग और संसदीय कार्य का मंत्री था, तो पार्ट सेकंड के अंदर मैं स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े महकमे और उसके बाद में ग्रामीण विकास का जुम्मा मुझ पर रहा। मैंने जो कुछ सेवा का काम करना चाहा, निर्णय लेने चाहे, मैंने बेबाक निर्णय भी लिए और मैं समझता हूँ मेरे मन में किसी प्रकार की कोई गिला नहीं। हाँ, ये बात दिगर है कि कई बार कई मसलों पर मुख्यमंत्री जी जिससे भी उचित समझती उसमें उनकी राय लेती, तो मुझसे भी कई मसलों पर राय ली गई, कई मसलों पर नहीं ली गई। ये उनका विवेकाधिकार है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, को अपने किस मंत्री को किस रूप में काम में ले। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पाठशाला से आप निकले, उनकी राजनीतिक स्टाइल को अडॉप्ट किया और जैसा तमाम राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ भैरव सिंह शेखावत की स्टाइल को आगे ले जा रहे हैं और ठीक वैसे ही अशोक गहलोत की स्टाइल को भी आप पसंद करते हैं जो उनकी जननेता की छवि रही है, तो क्या लगता है इन दोनों नेताओं के समानांतर आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के संसदीय लोकतंत्र में वो दीप्तिमान सितारे थे जिनकी रोशनी बरसों तक, सदियों तक कई हमारे जैसे लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी थी, पाठशाला थे, जिससे उनके साथ रहकर बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती थी। मैं समझता हूँ कि उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला और मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा और विधानसभा की प्रासंगिकता के बारे में जितना महत्व भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया, उतना ही कम महत्व हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं। एक तरफ भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने विधानसभा जब भी चली, सुबह से लेकर रात के कोई भी पहलू हो, हर समय विधानसभा के सदन में उपस्थित रहना, और एक हमारे मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष में जब थे, सिर्फ एक बार उन्होंने मैं अशोक गहलोत विधानसभा के सदस्य के रूप में प्रतिज्ञान करता हूं, इन शब्दों के अलावा एक शब्द नहीं बोले। और अब भी आप देखते हैं कि विधानसभा में सदन के नेता के रूप में भी वो सबसे कम भागीदारिता करना उनकी पसंदीदा काम है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विघ्न डालने में सदन के अंदर आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मुझे आपने विघ्न रोकने वाला काम करने का जो उपमा दी, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, मेरा प्रयास हमेशा सदन को अधिक से अधिक समय तक सदन चले और तर्कों के आधार पर चले। सदन से एक सरकार भागे नहीं, हम खुद सत्ता में थे तब भी मेरा प्रयास ये रहता था कि सदन एक इस प्रकार का मंच बने जिस पर सारी बातों पर एक बहस, खुली बहस हो, चर्चाएं हो, राजस्थान के विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने का एक मार्ग हो, और अब भी मेरा ये प्रयास रहता है। विघ्न डालना मेरी आदत में नहीं है। क्या लगता है ऐसी कौन सी आदत जो अशोक गहलोत की आपको पसंद आती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि 24 घंटे की राजनीति कांग्रेस में उनको लेकर कहा जाता है कि वो भी उसी पॉलिटिकल स्टाइल के लीडर हैं और वही पॉलिटिकल स्टाइल भारतीय जनता पार्टी में आपकी है। देखिए, हम राजनीति में काम करने वाले लोग, हमारी राजनीतिक बिरादरी है, हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी दल की सरकार में एक मुकाम हासिल करता है तो कोई ना कोई खासियत उसके राजनीतिक चरित्र पर और राजनीतिक कामकाज करने के तरीके में होती है। मुझे मुख्यमंत्री जी की सादगी निश्चित तौर पर पसंद है, उनसे एक तरह से आम आदमी की जो छवि उन्होंने बना रखी है उसका लाभ उन्हें कई बार मिलता है जी, परंतु अनिर्णय करने का काम जो हमेशा वो करते हैं उसके कारण से राजस्थान का विकास भी अवरुद्ध होता है। राजनीतिक तौर पर राजपूत राजनीति को
भारतीय जनता पार्टी में आपके इर्द गिर्द देखा जाता रहा राजेंद्र जी, लेकिन बीते कुछ सालों में कई नए चेहरे राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में राजपूत छत्रप के तौर पर अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम गजेंद्र सिंह शेखावत कहें, राज्यवर्धन राठौड़ कहें, दिया कुमारी कहें, तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ की जो राजपूत राजनीति की स्टाइल है वो कहाँ पाते हैं? मैंने जाति के आधार पर अपने आप को कभी स्थापित करने की कोशिश नहीं की। मैं जिस जिले से चुनकर आता हूँ जी, वहाँ सब लोगों के बीच में मेरे नाम की जब चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की बात राजेंद्र करता है, और इसलिए मैंने अपने आप को कभी जातीय राजनीति के बंधन के में ढालने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, राजनीति का दौर चलता रहता है, एक ऐसा कारखाना है जो कई बार कई मौके पर ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करता है जिनके साथ भविष्य भी जुड़ा रहता है, और इसमें कोई बात ही नहीं। ये तो एक प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम है, जिस नियम के अनुसार कुछ लोग बनते हैं कुछ लोग बिगड़ते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन समाज के चहेते आप रहे हैं, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हो, चाहे प्रताप फाउंडेशन हो, चाहे राजपूत सभा भवन हो, ऐसी राजपूतों की जो बड़ी संस्थाएं हैं वो राजेंद्र राठौड़ को एक राजपूत लीडर के तौर पर भी देखती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस समाज के साथ हम जुड़े रहते हैं उस समाज के लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें रहती हैं, और एक सकारात्मक दृष्टि से जब कभी भी मौका लगता है तो उस प्लेटफार्म पर भी हम अपनी भूमिका का निर्वहन को करते हैं। मैं जातीय राजनीति के बंधन में बंधा तो नहीं, पर जब कभी भी इस प्रकार का कोई मौका आया तो मैंने उनकी बात को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन राजनीति अब जातिगत तौर पर ज़्यादा देखे जाने लगी है, राजस्थान के चुनाव भी उसी ओर देखे जाते हैं, टिकट वितरण की बात करें वो भी उसी अनुसार होते हैं। आप सही कह रहे हैं, ज्यों ज्यों हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है, ज्यों ज्यों हमारे में साक्षरता और शिक्षा बढ़ती जा रही है, गाँव के अंदर शहरों के अंदर जातीय आधार पर मतदाता का गोलबंद होना निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पर इस बार जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ एयर स्ट्राइक के बाद में, लगता है कि ये सारा बंधन टूट गया है, पार्टियों की सीमाएं टूट गई है, और सब लोगों के मन में एक ही बात है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, और ये मजबूत राष्ट्र में मजबूत नेता, 56 इंच सीने वाला नेता, विश्व का सबसे बड़ा नेता, और एक ही नेता, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो क्या लगता है पुलवामा स्ट्राइक के बाद और एयर स्ट्राइक के बाद पूरा चुनावी परिदृश्य बदला है? चुनाव के साथ इस पुलवामा की घटना को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, पर लोगों के मन में एक टीस थी, हमारे पड़ोसी मुल्क जो एक तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका था, जब कभी मौका लगा निरीह लोगों को मौत के घाट उतारना और उसके बाद अलग अलग संगठन उसका श्रेय ले, मैं समझता हूँ उसका माकूल जवाब निश्चित तौर पर आम आदमी के मन की कसक थी, और उसका माकूल जवाब देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मजबूती से मिला दिया। इसीलिए देख रहे हैं आप चारों ओर अब देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति हिलोरे मार रही है। एनकाउंटर में तीखे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, राजेंद्र राठौड़ के साथ हमारे तीखे सवाल जारी रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, लगातार विरोध के कुछ सुर अलग अलग लोकसभा सीटों से देखने को मिल रहे हैं जहां पर आपके उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बीकानेर में तो देवी सिंह भाटी ने पहले ही मोर्चा खोल दिया था। ये एक सहज प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद में चयन के बाद में निश्चित तौर पर जब श्रेष्ठ में से अति सर्वश्रेष्ठ को चुनना हो तो कुछ लोगों के मन में कुछ क्षणों के लिए पीड़ा हो सकती है, परंतु कुछ समय बाद ये सारी बातें समाप्त हो जाती है, और फिर सिर्फ उसके बाद मकसद एक बन जाता है कि मैं जिस दल से जुड़ा हूँ वो दल विजयी रहे, वो पार्टी जिस सिद्धांत के आधार पर मैं चल रहा हूँ पार्टी जीते। इसलिए ये क्षणिक है, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये क्षण भी बहुत कम आते हैं। लेकिन नुकसान होता है राजेंद्र जी, आपको पता है, आप खुद
राजनीतिक व्यक्ति हैं, नुकसान वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ विरोध अपने ही लोग व्यापक तौर पर करते हैं और एक बड़ा खेमा बन जाता है और वो खेमा नुकसान पहुँचाने का काम करता है चुनाव में। देखिए, जब राजनीति में लोग काम करते हैं तो बड़े समूह के अंदर छोटी मोटी बात को लेकर जी मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं। और मतभेद भुलाए जा सकते हैं, जब बड़े मुकाम की तरफ बढ़ना होता है तो छोटी बातें अपने आप गौण हो जाती है। कांग्रेस के अंदर सत्ता के राजस्थान में दो ध्रुव बने हैं, दो पोल बने हैं, और इसी कारण से कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर सब लोग मिलकर अपने आलाकमान के आधार पर आगे के निर्णय करते हैं। और आज चाहे राजस्थान हो, राजस्थान का शहर हो, गली हो, कूचा हो, एक व्यक्ति के नाम पर यह चुनाव है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए अब कोई विरोध विद्रोह कहीं कोई प्रासंगिकता नहीं रखेगा, ये आप खुद ही कुछ दिनों के बाद देख लेंगे। तो क्या झुंझुनू में संतोष अहलावत का टिकट कटा, असंतोष पनपा हुआ है, कोई विरोध नहीं होगा वहाँ चुनाव? मैं नहीं समझता कि कोई किसी प्रकार का विरोध होगा, और संतोष जी को इस पार्टी ने विधायक बनने का मौका दिया, प्रधान बनने का मौका दिया, सांसद बनने का मौका दिया, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए वो भी पार्टी के फोल्ड में रहकर पार्टी का काम करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। शेखावाटी को मैं जानता हूँ, शेखावाटी का क्षेत्र राजनीतिक रूप से जागरूक क्षेत्र है, इसलिए कोई ऐसा निर्णय वो लोग नहीं करेंगे। आप देवी सिंह भाटी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवी सिंह जी भाटी का जल्दबाजी में उठाया हुआ उचित कदम नहीं है। वो बड़े बरसों तक एक परिपक्व नेतृत्व के नाते इस बीकानेर संभाग के नेता थे, उन्हें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने कर डाला। मैं इसको उचित नहीं मानता। क्या लगता है दलित वोटों का रिफ्लेक्शन इस घटना से देखने को मिलेगा? इन घटनाओं के साथ वोटों का रिफ्लेक्शन नहीं जी, परंतु कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। पार्टी व्यक्ति की को पहचान देती है, व्यक्ति पार्टी को नहीं। इसी कारण से मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार का ध्रुवीकरण होगा। अर्जुन मेघवाल बड़े नेता है, उन्होंने एक प्रशासक के रूप में, ब्यूरोक्रेट के रूप में भी उस संभाग के अंदर अपनी अच्छी और ईमानदारी से सेवाएं दी है, और इस बार मंत्री के रूप में उनकी सक्रियता देखने वाली थी, इसलिए जनता उन्हें दूसरी बार मौका निश्चित तौर पर देगी। बात एक बार चूरू की फिर से लौटते हैं, चूरू के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया को आप चूरू लाना चाहते हैं। सतीश पूनिया चूरू के राजगढ़ के गालड़ गांव के रहने वाले हैं, हमारे नेता है, अगर पार्टी उनका चयन करती है तो कोई भेजा बात नहीं जी। मैंने उनका नाम सुझाया था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु नाम सुझाने का अर्थ ये नहीं कि पार्टी का फैसला जो होगा उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ। राजेंद्र जी, एक जमाना था जब संघनिष्ठ संघ शिक्षित नेताओं से आपको दो चार होना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। सतीश पूनिया उन्हीं संघनिष्ठ नेताओं में, और इन दोनों आपसे अच्छी दोस्ती है? मैं खुद संघनिष्ठ हूँ जी। RSS को जब मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन निकले आप सोशलिस्ट थे निश्चित तौर पर जी। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ पदयात्रा से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ, समाजवादी राजनीति से। और संघ को जब से मैंने जानना चाहा, पहचानना चाहा, जाना, मैं समझता हूँ ऐसा राष्ट्रभक्त संगठन कोई हो नहीं सकता, और मुझे गर्व है कि मैं अपने आप को अब जब संघनिष्ठ कहता हूँ तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है। एक ऐसा संगठन जो संस्कार तैयार करता है, देश प्रेम के लिए एक लोगों को के मन में जज्बा तैयार करता है, सेवा का भाव तैयार करता है, ऐसे लोगों के साथ काम करने में आनंद ही आनंद है। तो क्या लगता है संघनिष्ठ नेता अगर चूरू से आते हैं तो आपका पूरा समर्थन सपोर्ट रहेगा? मेरा तो जो कोई भी कमल का फूल का निशान लेकर पर्चा भरने आएगा उसके साथ तन भी, मन भी और धन भी, तीनों तरह से तैयार मिलूंगा। मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में पार्टी की लक्ष्मण रेखा को ना लांगा है ना लांगूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे राजस्थान में पहचान दी। चूरू में वैसे तो राजनीति अतीत यही कहता है कि जो राजेंद्र राठौड़ ने चाहा है वो चूरू में अब तक हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा
आप अभिनेश महर्षि को लाए, रतनगढ़ से चुनाव लड़ाया, राजकुमार रेणुवा का टिकट कटा और पर्दे के पीछे ये कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ की बड़ी भूमिका रही, और वही राजेंद्र राठौड़ जो कभी एक बड़े भाई के नाते उनसे आशीर्वाद लेते थे, आखिर में क्या अदावत रही कि आप रेणुवा के खिलाफ रहे? मेरी मेरी कोई अदावत राजकुमार जी रेणुवा से नहीं रही। पार्टी जब टिकट का वितरण करती है तो कई मापदंड होते हैं, उन मापदंडों में जब वो खरे नहीं उतरे तो अभिनेश महर्षि जो वहाँ के जनप्रिय नेता थे जी, और जिनके साथ जनमानस जुड़ा हुआ था, उनके साथ पार्टी ने जुड़कर उन्हें एक विधायक के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत किया और जनता ने सर आंखों पर बैठाया। तो मैं समझता हूँ कि इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर जब टिकट का वितरण होता है तो उसमें व्यक्ति की पसंद नापसंद सारी गुम हो जाती है। इसमें मेरी कोई पसंदगी और नापसंदगी की बात ही नहीं थी। ये एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स जो आप करते हैं चूरू में, ये दूर तक संदेश लेकर जाती है। जैसे अशोक गहलोत भी अपनी पॉलिटिकल मैंडेट से संदेश देते हैं, वैसे आप भी संदेश देते हैं। देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट की राजनीति नहीं करता, मेरे पास वो अधिकार भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट की राजनीति करने वाले हमारे शीर्ष नेता है, मैं तो उनके हुक्म की तालीम करने वाला छोटा सा, अदना सा, जमीन पर चलने वाला एक छोटा कार्यकर्ता। तो राजेंद्र जी, इतने बड़े बड़े छत्रप हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में, लेकिन राजेंद्र राठौड़ का जो मुकाम है, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो वर्किंग जनता के बीच में रहती है, वो वर्किंग इस तरह की होती है कि दूसरा और नेता है वो उस मुकाबले में नहीं आ पाते, और यही कारण है कि कई झंझावात आए, आप एनकाउंटर में आप फंसे, कई तरह के आपके दुख आपको झेलने पड़े, इसीलिए लेकिन फिर भी आप जिंदा है। इसीलिए जब आपने मुझे कहा कि एनकाउंटर में आपका स्वागत है, तो एक सिरन सी मेरे शरीर में दौड़ने लगी, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के अंदर एक ऐसे इनकाउंटर को भुगता है मेरे राजनीतिक जीवन में, भूचाल लाकर जिसने खड़ा कर दिया, जिसका दूर 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 से तक मेरा कोई संबंध नहीं था। इसलिए जब आपने मुझे कहा कि आपको इनकाउंटर के कार्यक्रम में आना, तो मैं एक बार, मेरा मन था कि इस इनकाउंटर नाम के कार्यक्रम में मैं नहीं आऊं, ये तो आपका स्नेह खींच लाया। कितना भुला दिया आपने उन तमाम बातों को, या आज भी वो जहन में दिन रात आती है? दिन और रात तो नहीं जी, पर कई कई बार बिजलियां कौंद जाती है तो पुरानी बातें मुकाम से निकल कर सामने आ जाती है, वही कई बार यादें आ जाती है। परंतु मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस कठिनाई के अंदर भी मेरे साथ मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरे राजनीतिक दल के नेता मेरे साथ खड़े रहे। राजेंद्र जी, कहा जाता है कि विरोधी आपके अपने भी थे उस दरमियान, केवल बाहर के विरोधी नहीं थे, विरोधी आपके अपने भी थे, आपके अपनों ने भी आपको नुकसान पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, जब पीठ में खंजर लगता है तो कहीं ना कहीं जख्म दे जाता है, इसलिए मैं उस पीठ पर लगे उस खंजर का जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा। आपने बड़ी दुखती हुई नब्ज़ पर हाथ रख डाला, कई बार आस्तीन के अंदर भी ऐसे लोग आ जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसको मैं एक संस्कार मानूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। आप राजस्थान की राजनीति के जीवट वाले नेता हैं, मजबूत नेता हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स में गिनती होती है, लेकिन राजेंद्र जी, क्या कारण है कि दिल्ली में जो रसूखात है वो कई कमजोर पड़ते हैं, और यही कारण है कि जो मुकाम या जो पद आपको राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में अब तक प्राप्त होना चाहिए था, उसके लिए भी संघर्ष का दौर जारी? नहीं, मेरा कोई संघर्ष नहीं है, मेरा कोई मुकाम नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपनी पहचान एक राजनीतिक धरातल के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाना मेरा मकसद था, जिस पहचान को मैंने बना रखा है। इसलिए मेरा कोई मकसद ही नहीं, इसलिए ना दिल्ली की राजनीति मुझे प्रभावित करती, ना राजस्थान की राजनीति मुझे प्रभावित करती। बस मेरा अपना काम करने का तरीका, तौर तरीका है, और मैं कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे चुनकर भेजते हैं, आज चूरू की किसी भी गली के अंदर खड़ा होकर मैं एक साथ एक मिनट के अंदर पांच नाम पुकार के घरों से आवाज़ देकर लोगों को बुला सकता हूं, तो एक जीवित संपर्क भी है, लोगों से मिलना जुलना भी। तो वसुंधरा राजे की गुड बुक में, उनके सिपाही सालारों की गिनती में आप खुद को और यूनुस खान को कहां पाते हैं? देखिए, यूनुस भाई का अपना काम करने का अपना अंदाज है, कुशाग्र बुद्धि के आदमी हैं, मैं थोड़ा सा धरती पर अलग से, मेरा जिला भी अलग से है, इसलिए उनके सामने मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं।
राजनीति में तो आप उनसे ज़्यादा वरिष्ठ रहे हैं, अनुभवी रहे हैं। राजनीति में वरिष्ठ और कनिष्ठ की कोई परिभाषा नहीं है, परंतु मेरी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ताओं को किस रूप में काम में ले, ये उन पर निर्भर करता है। मैं मेरी भूमिका से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहिए? राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्रेज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 25 का संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ कि वसुंधरा राजे जी, मदनलाल जी सब लोग मिलकर उस संकल्प को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश को एक मुकाम दिया है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा बढ़ता हुआ जीडीपी, और मैं समझता हूँ कि किसान कल्याण की बात करूँ या गरीब कल्याण की बात करूँ, पहली बार ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी जी आए, आम व्यक्ति को लगा कि सरकार में उसका सरोकार है, और ये सरोकार दोबारा नरेंद्र मोदी जी को 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की राजस्थान से दिलाएगा। एक आखिरी सवाल राजेंद्र जी आपसे, राजस्थान की राजनीति में बीजेपी में आप ऐसे नेता कहे जाते हैं जिनके याराना कांग्रेस के अंदर कई दिग्गजों से हैं, और वो याराना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नज़र भी आता है। निश्चित तौर पर मैं इसको गलत भी नहीं मानता जी। मेरी मित्रता है, मित्रता रहेगी, पर जब राजनीतिक दायरे के अंदर हम काम करेंगे तो अपने अपने दायरे में काम करेंगे। व्यक्तिगत रिश्तों को हम राजनीतिक कार्य के साथ ना तो जोड़कर देख सकते हैं ना देखना चाहिए। मेरी मित्रता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। राठौड़ साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो चेहरे हैं जिनके बलबूते फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में ताल ठोक कर जीतेगी। तीखे सवालों का उन्होंने सदा जवाब दिया है। एनकाउंटर में फिर एक बार हम नई शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल लेते हैं विदा।